हाय गाइस, मेरा नाम है नमन शर्मा। आज का जो टॉपिक लेके आया हूँ वो मैं है प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट। ठीक है, मैं आपको ऐसा समझाऊंगा जैसे आप भूलना मुश्किल हो जाएगा आपके लिए, इसलिए इसकी चिंता मत करिए। जो मैं टॉपिक पढ़ा रहा हूँ उसे बस ध्यान से समझिए, ओके? और प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। चलते हैं आज के टॉपिक पर। तो आज का टॉपिक है प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट। कहाँ कहीं स्लाइड? ठीक है, देखो मैंने यहाँ पे जो समझाने का तरीका लिया, इसमें मैं क्या करूँगा, सबसे बेस्ट तरीका क्या होता है, दोनों के बीच में डिफरेंशिएट करके सीखना। इससे आप दोनों टॉपिक सीख जाएंगे और डिफरेंशिएट करके सीखेंगे ना, तो आपको याद भी जल्दी हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं। देखो प्रेसिडेंट होता है वो यूनियन एग्जीक्यूटिव का पार्ट होता है। यूनियन एग्जीक्यूटिव मतलब सेंटर के जो एग्जीक्यूटिव हेड होते हैं ना, उसका पार्ट होता है। ठीक है, तो ये पार्ट 5 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में आती है यूनियन एग्जीक्यूटिव। ठीक है, और इसमें जो आर्टिकल रिलेट करते हैं वो 52 से 78 तक। ठीक है, अब जो हमारे यहाँ पार्लियामेंट की डेफिनेशन है, ठीक है, पार्लियामेंट में तीन चीजें काउंट होती हैं, प्रेसिडेंट, लोकसभा एंड राज्यसभा। ठीक है, प्रेसिडेंट बैठता नहीं है पार्लियामेंट में, मगर वो पार्लियामेंट का पार्ट होता है। तो पार्लियामेंट के तीन पार्ट क्या हुए, लोकसभा, राज्यसभा एंड दी प्रेसिडेंट। अब जो वाइस प्रेसिडेंट होता है वो प्रेसिडेंट से जस्ट बाद में होता है, सेकंड पोजीशन होती है आफ्टर प्रेसिडेंट। ठीक है, और उसका जो काम होता है वो चेयरमैन होता है राज्यसभा का, राज्यसभा के चेयरमैन की तरह ये काम करता है। ठीक है, जो जैसे स्पीकर होता है लोकसभा का, ऐसे ही है, इसकी पोजीशन राज्यसभा में होती है। ठीक है, मगर प्रेसिडेंस में इसका सेकंड नंबर होता है आफ्टर प्रेसिडेंट। अब दोनों के इलेक्शन प्रोसेस का समझते हैं। ठीक है, अब इलेक्शन प्रोसेस समझो, प्रेसिडेंट नॉमिनल हेड है, एग्जीक्यूटिव हेड तो है नहीं इंडिया का। नॉमिनल हेड वो होता है कि जो जिसके नाम पर सारे काम होते हैं, मगर जो सारे डिसीजन प्रोसेस होते हैं वो उसके नहीं होते डायरेक्टली। ठीक है, तो इसका जो इसलिए जो प्रेसिडेंट की पोजीशन का इलेक्शन डायरेक्ट नहीं कराया जाता, क्योंकि उसमें बहुत सारे पैसे वेस्ट होंगे, जबकि ये सिर्फ एक नॉमिनल हेड की पोजीशन है। ठीक है, तो इसलिए इनडायरेक्ट इलेक्ट होते हैं प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट। जो इनडायरेक्टली इलेक्ट जो प्रेसिडेंट होते हैं, इनका जो इलेक्टोरल कॉलेज मतलब ये होता है जो लोग इन्हें इलेक्ट करते हैं वो समूह, उसमें जो लोग होते हैं वो होते हैं लोकसभा और राज्यसभा के इलेक्टेड मेंबर्स। ध्यान रखना, लोकसभा राज्यसभा के इलेक्टेड मेंबर्स, नॉमिनेटेड नहीं, सिर्फ इलेक्टेड मेंबर्स और लेजिस्लेटिव असेंबली के इलेक्टेड मेंबर्स। ठीक है, तो इनके प्रोसेस इलेक्शन में, प्रेसिडेंट के इलेक्शन में कौन कौन भाग लेता है, एक तो लोकसभा और राज्यसभा और लेजिस्लेटिव असेंबली के तीनों के इलेक्टेड मेंबर्स, और वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन में लेजिस्लेटिव असेंबली का कोई रोल नहीं होता। और जो क्या कहते हैं, इसमें जो पार्ट लेते हैं ना, इलेक्टेड और नॉमिनेटेड दोनों मेंबर्स लेते हैं वाइस प्रेसिडेंट में। वाइस प्रेसिडेंट में राज्यसभा लोकसभा के दोनों मेंबर्स पार्ट लेते हैं, दोनों के इलेक्टेड और नॉमिनेटेड। उसमें प्रेसिडेंट में सिर्फ इलेक्टेड मेंबर्स पार्ट लेते हैं, इसमें लेजिस्लेटिव असेंबली के मेंबर पार्ट नहीं लेते, प्रेसिडेंट के प्रोसेस में पार्ट लेते हैं। ठीक है, अब क्वालिफिकेशन देखो, क्वालिफिकेशन देखना कि एक तो सिटीजन ऑफ इंडिया होना चाहिए। ठीक है, मिनिमम एज होनी चाहिए 35 ईयर्स ऑफ एज। और जो प्रेसिडेंट होता है वो बाकी जो क्वालिफिकेशन होती है वो लोकसभा मेंबर की क्वालिफिकेशन को कंपाइल करना चाहिए, मतलब जो लोकसभा मेंबर बनने के लिए क्वालिफिकेशन होनी चाहिए आप में, वो प्रेसिडेंट बनने के लिए क्वालिफिकेशन सब्सक्राइब। और वाइस प्रेसिडेंट में ये चीज़ सेम होती है, बस इसमें जो क्वालिफिकेशन होती है वो राज्यसभा वाली हो जाती है, इसमें लोकसभा होती है इसमें राज्यसभा। और जो प्रेसिडेंट की जो ओथ होती है, जो इनकी शपथ करवाते हैं, वो करवाते हैं चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, या फिर कोई किसी और जज को जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कहते हैं कि ये मेरे बदले ये करवा देंगे। ठीक है, और वाइस प्रेसिडेंट की जो ओथ एडमिनिस्टर करते हैं वो खुद करते हैं प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ठीक है, समझ में आ गया, प्रेसिडेंट के लिए क्वालिफिकेशन होनी चाहिए लोकसभा मेंबर की, वाइस प्रेसिडेंट के लिए राज्यसभा मेंबर की, क्योंकि ये राज्यसभा के चेयरमैन होते हैं, इससे भी आप समझ सकते हैं। अब रिमूवल प्रोसेस देखो, वाइस प्रेसिडेंट का जो वाइस प्रेसिडेंट है वो तो इम्पीचमेंट से प्रोसेस होता है, इम्पीचमेंट से रिमूव होते हैं। और जो वाइस प्रेसिडेंट होते हैं वो सिंपल रेजोल्यूशन से, मतलब एक रेजोल्यूशन जो से राज्यसभा से मेजोरिटी से पास हो और लोकसभा ने उस पर अप्रूव कर दिया हो, तो उससे रिमूव हो जाएंगे। ठीक है, वाइस प्रेसिडेंट कैसे रिमूव होंगे, कि एक रेजोल्यूशन लाया गया राज्यसभा में, क्योंकि राज्यसभा के वो चेयरमैन है, तो राज्यसभा में ये रेजोल्यूशन लाया जाएगा। अब रेजोल्यूशन लाया है एब्सोल्यूट मेजोरिटी, यानी कि 2/3 मेंबर्स ने पास कर दिया और ये लोकसभा ने एग्री कर लिया, तो प्रेसिडेंट अपनी पोजीशन से हट गए। मगर प्रेसिडेंट का रिमूवल बहुत मुश्किल है। प्रेसिडेंट का रिमूवल क्या होता है, क्या कहते हैं, कोई भी एक हाउस इनिशिएट करेगा, तो इनिशिएट करने के लिए, जैसे सपोज लोकसभा ने इनिशिएट करा, तो इनिशिएट करने के लिए जो वो है उसमें
जो हाउस इनिशिएट कर रहा है उसके 1/4 मेंबर का साइंड सिग्नेचर चाहिए कि हाँ हम ये प्रोसेस इनिशिएट करते हैं, ठीक है। फिर 14 दिन का नोटिस दिया जाएगा प्रेसिडेंट को, ठीक है। अब ये जो आपने प्रोसेस इनिशिएट किया, मैंने मैंने चार्जेस लगाए, और चार्जेस को इनिशिएट करवाने के लिए क्या करवाना पड़ेगा, पहले मुझे 1/4 मेंबर ऑफ उस हाउस के से साइन करवाने पड़ेंगे। अब चार्ज लग गए, अब 14 दिन का नोटिस दे दिया, अब क्या होगा कि उस पर वोटिंग होगी। वोटिंग होगी तो पहले तो ये डिपेंड करेगा कि इस जो हमने जो डॉक्यूमेंट्स लिया है इसे लोग स्पीकर एक्सेप्ट करेगा या चेयरमैन एक्सेप्ट करेगा कि नहीं। अगर उनने कर लिया तो इस पर वोटिंग होगी। वोटिंग अगर 2/3 मेंबर से पास हो गई तो ये दूसरे हाउस में आएगा, दूसरे हाउस में इन चार्जेस की इंक्वायरी बैठेगी। अगर उस हाउस ने भी इसे पास कर दिया तो ये प्रेसिडेंट रिमूव माने जाएंगे। समझ गए, डिफिकल्ट प्रोसेस है। एक हाउस, किसी भी हाउस में जिसमें भी ये पहले प्रोसेस स्टार्ट हो रहा है, इनिशिएट हो रहा है, उसके 1/4 मेंबर से साइन सिग्नेचर एक डॉक्यूमेंट चाहिए। वो डॉक्यूमेंट के बाद 14 दिन का नोटिस दिया जाएगा प्रेसिडेंट को। अब वो डॉक्यूमेंट जब पास होगा 2/3 मेजोरिटी ऑफ दैट हाउस से, ठीक है, 2/3 ऑफ मेजोरिटी उस हाउस के बाद दूसरे हाउस में पास होगा, दूसरे हाउस जो ये चार्जेस है उन पर इंक्वायरी बैठाएगा कि ये चार्जेस सही है कि गलत है। सही ठहराएंगे तो वहां पर भी वोटिंग होगी। वहां पर भी वोटिंग होने के बाद वहां पर पास हो गए तो प्रेसिडेंट रिमूव माना जाएगा। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे। आपको समझ में आ गया होगा उम्मीद है, अगर नहीं समझ में आया तो कमेंट कर दीजिएगा, मैं समझा दूंगा।